हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज मैं अपने किचन में क्या बना रही हूँ। देखिए, आज मैं बना रही हूँ पनीर मसाला, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने तेल को या कुकिंग ऑयल, जो भी जिसमें आप डेली कुकिंग करते हैं, उसको आप डाल दीजिए 3-4 टेबल स्पून। और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ अनियंस को चॉप करके डाला है। देखिए, अनियंस जो है ये लंबी लंबी ही इसी तरीके से काटिएगा और इसको गोल्डन फ्राई हो जाए तो अलग निकाल लीजिएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं फ्राई करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो मसाला अच्छा नहीं बनेगा और कलर अच्छा नहीं आएगा। अब सेम पैन में हम कुछ जो लहसुन है छिला हुआ उसको डाल देंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ 4-5 कलियाँ लहसुन की चॉप करी है और इंच भर जो है अदरक को भी चॉप करके ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी उसी ऑयल में। और सबको मैं निकाल के अच्छा सा थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बना के उसको अलग रख लेंगे हम फ्रेंड्स। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पेस्ट बना के प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख लेंगे। अब उसी सेम ऑयल में हम खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ देखिए, मैंने खड़े मसाले डाल रही हूँ, ये सारे स्टार एनिस, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, सबको डाल के अच्छे से इनको मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। और यहाँ मैंने 3-4 मीडियम साइज़ के टमाटोज की प्यूरी लेके डाली है। और इसमें मैंने अब मिर्च और हल्दी डाल के अच्छे से भूनना है। मिर्च और हल्दी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालिए। और यहाँ जो मैंने पेस्ट बनाई थी लहसुन प्याज की और अदरक की, उसको अब मैं डाल के फिर से भूनूंगी इसे अच्छी तरह। और इतना भूनना है फ्रेंड्स कि मसाले में से तेल ऊपर आ जाए। और कुक करके हम ढक के कुक करेंगे। अभी हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हम फ्रेश दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही जो है हम गैस बंद करके ऐड कर रहे हैं, नहीं तो फट जाती है। और उसको चलाते रहिए, तब डालिए और फिर बाद में आप गैस ऑन कर दीजिए। और यहाँ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। धनिया मिर्च और आप नमक अनुसार स्वाद डाल के अच्छे से भूनिए। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आ गया है ऊपर सरफेस पे। अब मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। अब चाहे तो आप इसमें पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं, आप अलग से फ्राई करके इसमें अलग निकाल के रखिए। और मैं लेकिन इसमें ऐसे ही एज इट इज़ डालती हूँ, ये अच्छे नरम नरम वाइट वाइट दिखते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि ये और अच्छे से कुक हो जाए। और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक के हम कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी अगर रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी इसको, ये मेरी टिप है, आप ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया ऊपर से चॉप करके मैंने डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा पनीर मसाला तैयार हो गया है। आप इसको नान रोटी के साथ एंजॉय करिए फ्रेंड्स। और ये अपनी रेसिपी को मेरे अगर ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगती है। ये लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मेरी ये झटपट से पनीर मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गया है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।